पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। अतुल सती जो कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर नवीन जोयाल जियोलॉजिस्ट, जिनकी रिपोर्ट भी यहां पर अभी सुशील बहुगुणा जी ने मेंशन की थी, उनसे ये पूछा जाए कि वहां जो लोग अभी हैं वो क्या करें। अतुल सती जो हैं बहुगुणा जी, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अतुल जी, आप हमें बताएं कि आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग रख रहे हैं आप सरकार से, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों की जान को खतरा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बोलूं? जी अतुल जी बोलिए। तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो इसमें क्योंकि ये पिछले 14 महीने से लगातार ये दरारें घर मकानों पे पड़ रही हैं, लगातार इस बात को हम उठा रहे हैं, और पिछले 2-3 महीनों में ये बढ़ा है, और पिछले 5-7 दिनों में तो बहुत ज्यादा हुआ है। एक पूरा इलाका जो है, जोशीमठ का जो जड़ वाला इलाका है, उसको कहते हैं मारवाड़ी, वो पूरा नीचे धंस गया है। जयप्रकाश कंपनी की कॉलोनी है, वो 1.5 फीट नीचे चली गई, और वहां से जो है पानी का रिसाव हो रहा है। पूरे जोशीमठ में लगभग 600 से ज्यादा घर मकान ऐसे हैं जिनमें आंशिक या गंभीर दरारें हैं। कुछ बहुमंजिला इमारतें ऐसी हैं जो कभी भी धराशायी हो सकती हैं, गिर सकती हैं, कुछ भवन गिर चुके हैं, और हालात जो है बहुत गंभीर बने हुए हैं, बहुत संवेदनशील स्थिति है। हम जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़े हैं, और सरकार जो है इसको लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। क्या किया जाना चाहिए, मैं तो हमने जो है पहले भी सरकार को बहुत सारी सलाहें दी, उसके बाद जो है जब सरकार ने नहीं सुना तो हम आपदा प्रबंधन सचिव से मिले, उनको अपने सुझाव दिए, उसके बाद भी बहुत ज्यादा जमीनी काम जब हमको नहीं दिखा तो हमने आंदोलन भी किया, और यहाँ 2,500 लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन हुआ। उसके बाद आपदा प्रबंधन सचिव को पुनः जो है जब उनका अखबारों में स्टेटमेंट आया कि वो इसको लेकर के कोई बैठक करने वाले हैं, उसमें भी हमने उनको फिर एक पत्र लिखा और डिटेल बताया कि तात्कालिक किए जाने वाले काम, दीर्घकालिक किए जाने वाले काम कौन कौन से हो सकते हैं, जो जोशीमठ को एक तो स्टेबिलाईज करना, और जो लोग इस आपदा से प्रभावित हो रहे हैं उनको तत्काल क्या राहत दी जा सकती है, और क्योंकि लोगों का घर मकान टूट रहा है तो उनको तत्काल जो है नए जगहों पर शिफ्ट करने की जरूरत होगी, उनको राशन कपड़ा क्योंकि सर्दी का मौसम है उस तरह की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म में आप जो है लोगों का विस्थापन पुनर्वास कैसे करेंगे, उसके लिए हमने बाकायदा सुझाव दिया कि यहाँ यहाँ पर जोशीमठ के आसपास भूमि खाली है, उस भूमि का आप भू सर्वेक्षण करवा लीजिए, भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के बाद देखिए कि वो भूमि स्थायी है कि नहीं है, टिकाऊ है कि नहीं, और वहां लोगों के लिए प्रीफैब भवन बनाने की तरफ बढ़िए, क्योंकि जोशीमठ में तत्काल, चाहे वो डॉक्टर नवीन जोयाल वाली कमेटी हो, चाहे वो सरकार की बनाई हुई कमेटी हो, चाहे मिश्रा कमेटी हो, और इसके बीच में 2006 में एक और अध्ययन हुआ, उस सब अध्ययनों में ये बात आई है कि जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आप जो है तत्काल यहाँ जो भी निर्माण कार्य हो रहा है भारी, उसको तत्काल रोका जाए। आज जो हमारा चक्का जाम था, उसके बाद जो है यहाँ के ADM ने कुछ आदेश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है तत्काल प्रभाव से NTPC का जो काम चल रहा है तपोवन विष्णुघाट परियोजना का, उसको हम रोकते हैं। उसके साथ ही उन्होंने जो जोशीमठ के टो कटिंग की जो बात अभी सुशील बहुगुणा कर रहे थे, वहां जो बाईपास बन रहा है उसके काम को रोकने का आदेश जारी हुआ है। तो इसके अलावा हमने तो ये भी कहा था कि NTPC को इस पूरी त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, और NTPC के साथ जो हमारा समझौता हुआ था 2010 में, जिसमें उनको कहा गया था कि वो हमारे पूरे जोशीमठ के घर मकानों का बीमा करेंगे, उस समझौते को लागू करने की तरफ सरकार बढ़े जी, लेकिन वो तो जी। अतुल जी, मैं अभी वापस आता हूँ आपके पास। डॉक्टर जोयाल भी हमारे साथ हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जोयाल, आप ये बताइए, जो टो कटिंग की बात हो रही है या जो ये जो टनल है जो कि अभी निर्माणाधीन है, काम भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन स्थिति को देख करके काम आपने रोक दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है? क्योंकि जितना आपको काटना था, टो कटिंग करनी थी, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। ये समाधान नहीं है, ये वास्तव में समाधान नहीं है। समस्या ये है कि इस बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जब हमारी रवि चोपड़ा कमेटी 2013 की त्रासदी के बाद बनी थी, हमने इन प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप ऑफ करने की बात कही थी। उसका हमने कारण ये दिया था, ये कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे 2000 मीटर के ऊपर के इलाके में आते हैं, उस इलाके, वो हमारे स्नो लाइन भी है, विंटर स्नो लाइन भी है। इस इलाके को हम अपनी भाषा में कहते हैं पैराग्लेशियल जोन, यानी एक जमाने में ग्लेशियर यहाँ पे थे, अब वो ग्लेशियर यहाँ से पीछे खिसक गए हैं।
जब भी कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है, यहां से न केवल पानी जाता, हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिमालयन रिवर्स आर नॉट कैरिंग ओनली वाटर, दे आर कैरिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। तो हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फ्लड की बात करते हैं, पर सेडिमेंट को अकाउंट नहीं करते। इस कारण हमने कहा था इस प्रोजेक्ट को यहाँ बनाना संभव नहीं है, स्क्रैप अप हो गया था प्रोजेक्ट, मतलब रोक दिया गया था प्रोजेक्ट। अब आप कह रहे हैं कि आपने टनल 4 किलोमीटर तपोवन से खोद दी है, आपने सेलंग से 3 किलोमीटर खोद दी है, एक डैमेज आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। मेरा अगर एज ए जियोलॉजिस्ट की भाषा में अगर इसको कहूं तो ये इरिवर्सिबल डैमेज आप क्रिएट कर चुके हैं। सिर्फ बंद करना एक आश्वासन है मेरे तरफ से भी लगता है, हमको इसको रिक्लेम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर जोयाल, ये होगा कैसे आगे, समाधान की अगर बात करें? वही मैं कह रहा हूं कि जैसे लोहारी नागपाला का प्रोजेक्ट जब स्क्रैप ऑफ हुआ तो उसकी जो टनल्स थी उसके लिए एक 1 करोड़ रुपए दिए गए कि उस टनल को फिर से आप बंद कीजिए। प्रोजेक्ट हैज टू बी स्क्रैप डाउन, ये प्रोजेक्ट नहीं सस्टेन कर सकता इस पर्टिकुलर टेरेन के अंदर में। आज इनको आश्वासन देने के लिए तो कह देंगे हमने रोक दिया। बाईपास रोड की जहां तक बात है, इसके लिए हमने काफी बड़ा विरोध भी किया था, जब हम इसके रोड की कमेटी में, एचपीसी कमेटी में थे, हमने कहा इसके नीचे आप बाईपास मत बनाइए, जबकि वहां पे हार्ड रॉक थी। उसके बावजूद भी हमने कहा कि जब तक आप इसका जियो टेक्निकल फिजिबिलिटी हमको नहीं देते इसको आप नहीं बनाएंगे, उन्होंने ओवर रूल कर दिया। बहुगुणा जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। डॉक्टर जुयाल, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस पूरे इलाके में भूकंप का डर लगातार बना रहता है, आज भी एक भूकंप आया, हालांकि उस इलाके में केंद्र नहीं था, लेकिन लगातार चमोली का भूकंप सब जानते हैं, हर कुछ दिन बाद एक बहुत छोटा सा भूकंप आता है। भूकंप के लिहाज से भी हिमालय बहुत संवेदनशील है, हम एक एनिमेशन के जरिए भी दिखाएंगे कि हिमालय कैसे बना और कैसे इस इलाके में कई फॉल्ट्स हैं, किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ जब एशियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट, और उसके बाद जो एक तरह से जो दोनों के टकराने से हिमालय ऊपर उठा है उसके कारण ये ऊंचाई है, और आज भी ये इलाका लगातार ऊंचा हो रहा है, लगातार इसके नीचे भूगर्भीय गतिविधियां हो रही हैं। हाँ, तो जहां तक देखिए, अगर आप भूकंप की बात करते हैं और भूकंप से आप परियोजना की बात मुझसे करेंगे तो मैं कहूंगा परियोजनाएं जो बनी हैं उनको कुछ नहीं होने वाला। आप लेकिन मकानों के लिए तो दिक्कत है। एग्जैक्टली जो मकान हमारे जो अस्था जो हम कहते हैं ना कि हमारा ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर था, जो आपने भी बताया, उस आर्किटेक्चर को हम डिफे कर चुके हैं। 1991 का उत्तरकाशी अर्थक्वेक आप लीजिएगा तो उत्तरकाशी अर्थक्वेक के दरमियान उत्तरकाशी में भयानक तबाही मची, लेकिन रैथल एक गांव है जहां 5 मंजिल का मकान है, लकड़ी और पत्थर से बनाया हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। उस मकान की मैंने रेडियो कार्बन डेटिंग भी कराई थी, उसकी उम्र निकली थी 420 साल। तो 420 साल जो मकान खड़ा है, इस टेक्नोलॉजी को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब सवाल ही खड़ा था कौन करेगा इसको। मुझे दुख इस बात का होता है ना कि ये हम कोई, वी आर नॉट डिस्कवरिंग द व्हील, एवरीथिंग इज नोन। मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे ज्यादा अब आपको कौन सा विज्ञान चाहिए जोशीमठ को बचाने के लिए। हमको चाहिए इस वक्त कि इम्प्लीमेंट जमीन पे कौन करे, और जो जो व्यवस्था उसके इम्प्लीमेंट जमीन पे करती है वो जो व्यवस्था है आज पूरी की तरह से खोखली है, मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, आज भी जो भूकंप आया है लगातार डराता है कि एक सेंट्रल साइज़मिक गैप है हिमालय में, इसी इलाके के आसपास पूरा उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय जो है, ये भी एक चिंता की बात है कि इस तरह की बसावट नहीं होनी चाहिए। पहले तो ऐसा आबादी का बोझ नहीं होना चाहिए, भवन निर्माण शैली ठीक होनी चाहिए, बड़ी परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जैसे अतुल भाई अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि कौन इनका निर्माण की अनुमति कौन दे रहा है। आम आदमी तो नहीं, आम आदमी को जब तक सरकार से अनुमति नहीं मिलेगी कोई बनाएगा नहीं। मैं छोटा सा डायग्रेशन देता हूं आपको कि जब केदारनाथ डिजास्टर हुआ, हम आपके साथ थे वहां पे, हमने कहा कि यहाँ इस केदारनाथ में अब आप आरसीसी के स्ट्रक्चर मत बनाइए, क्योंकि जो मलबा आया है वो 5 से 10 मीटर थिक मलबा है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। हुआ क्या नतीजा, अब जाके जमीन पे जाके देख के आइए। कहने का तात्पर्य मेरे कि देयर इज एनफ साइंस वी हैव गॉट विद अस, व्हाट वी लैक इज द इंप्लीमेंटिंग द साइंस ऑफ द ग्राउंड, दैट इज वन कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट जो है कि जो हमारे सरकारी वैज्ञानिक हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनको अपना फर्ज और अपनी ईमानदारी को अभिव्यक्त करना पड़ेगा बिना डरे हुए, नहीं तो आज जो स्थिति हमने उत्तराखंड के हिमालय की कर दी है वो हमारी अपनी कमजोरी की वजह से। जब सरकार में होता है मैं कुछ और बोलता हूँ, जब सरकार के बाहर आता है मैं कुछ और बोलता हूँ। जब तक हम इसको नहीं, मतलब जब तक इससे हम उभर के नहीं आएंगे, ये त्रासदी होती रहेगी। आज जोशीमठ इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, डेफिनेटली यस, टाइम बॉम्ब में बैठा हुआ जोशीमठ है, लेकिन जोशीमठ के अलावा दूसरा जो शहर है टाइम बॉम्ब में बैठा हुआ वो गोपेश्वर है।
चमोली का जो हेडक्वार्टर बैठा हुआ है, हम उसको उसको नहीं देख रहे हैं।